छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर भरोसा यात्रा में विधायक विक्रम शाह मंडावी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि कल 90 विधानसभाओं में भरोसा यात्रा कांग्रेस की निकली थी, जिसमें विक्रम मंडावी भी बाइक से शामिल हुए थे और बताया जा रहा है कि बाइक से गिरकर विधायक घायल हो गए हैं। कंधे की हड्डी टूटने और पेट में चोट लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हादसे के बाद उन्हें बस्तर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। यात्रा खत्म होने के बाद बीजापुर वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। विधायक के साथ बाइक पर नगर पालिका उपाध्यक्ष भी बैठे थे, उन्हें भी चोटें आई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। तो रायपुर के निजी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कल 90 विधानसभाओं में भरोसा यात्रा निकली थी, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और इस वक्त सेहत से जुड़ी क्या अपडेट है? ये आपको बता दूं कि भैरमगढ़ से इसका शुरुआत हुआ था। भैरमगढ़ से मधेर तक का ये भरोसा यात्रा निकल रहा था और ये जगह जगह रुक के इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा था। उस टाइम ये समापन हुआ मधेर में, मधेर पंचायत में जो कार्यक्रम समापन हुआ, ये मधेर में साप्ताहिक बजा था, वहाँ ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया और वहाँ पे समापन किया गया। उस कार्य संतोष, थोड़ी नेटवर्क इशू है शायद आपके फोन पे, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आकर जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। चलिए, वजह से नेटवर्क ना होने की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। सभी को पता है कि बस्तर में किस तरह से नेटवर्क का इश्यू होता है, लेकिन इस वक्त हम आपको ये जरूर जानकारी दे दें कि कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी का इलाज इस वक्त रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। कल एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट कर दिया गया था। जगदलपुर से रायपुर उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और अब रायपुर में निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है और सीएम भूपेश बघेल ने भी जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। विक्रम शाह मंडावी और कंधा की हड्डी ओकर टूट गई सावे बताए जाते हैं और पेट में घलों का चोट लगे की खबर सामने आते। हादसा के बाद जगदलपुर रायपुर ओरा एयरलिफ्ट करेगी सावे। रायपुर के निजी अस्पताल में फिलहाल ओकर इलाज जारी है। यात्रा खत्म होने के बाद बीजापुर वापसी के बेरा हादसा हो से विधायक संघ बाइक में बैठे रही सावे। नगर पालिका उपाध्यक्ष शिला घलों का गंभीर चोट आई सावे। तैबेरा के बड़े खबर आप मिला दिखा दन, एक बार फिर बता दन कि यात्रा के बेरा एक पूरा हादसा हो सावे और फिलहाल रायपुर के निजी अस्पताल में उकर इलाज चलते। हेलीकॉप्टर ले ओला रायपुर लाएगी सावे ताकि जल्द ले जल्द उकर इलाज शुरू हो सके। और आप मन ट्वीट घलोक दूसरे तस्वीर में देख सके तो जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुखद समाचार प्राप्त हुए सावे, बात हुआ कही सावे और जल्द स्वस्थ हो उकर कामना करे से। तो यात्रा के बेरा एक भयानक हादसा हुई सावे और बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ला लेके भूपेश बघेल घलो का ट्वीट करे सावे, अपन कामना ओकर ओला दी सावे और कामना करे सावे कि वह जल्द ले जल्द ठीक हो जाए। तो बड़ी खबर है बेरा कि आप बता दें, एक बार फिर आप बता दें कि हेलीकॉप्टर ले ओला रायपुर लाएगी सावे ताकि जल्द ओकर इलाज शुरू हो सके। बीजापुर विधायक खरे विक्रम मंडावी जिन घायल हुए सावे यात्रा के बेरा और बताया जाते कि यात्रा के बाद वह घायल हुई सावे, उपाध्यक्ष घलों को कर सा मौजूद सावे जिनला घलों का चोट आए से ये बताए जाते। बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी के घायल हुए की खबर इतिबर सामने आते। यात्रा के बेरा पूरा हादसा हुए सावे। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता संतोष अमर मन से जुड़े आवे। संतोष, सबले पहले आप मैं जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक मैं विस्तार से बता दो कि कैसे और कौन बेरा पूरा हादसा हुए सावे, जेकर बाद एक जानकारी आप मैं चाहते हैं कि क्या स्थिति होकर बने हुए अभी। जी, आपको बता दूं कि भरोसा एक यात्रा निकाला था जो भैरमगढ़ से शुरू हुआ था, मध्यड़ पंचायत तक जाके समापन हुआ। इस कार्यक्रम का समापन जब होने के बाद में जब टीम वापस लौट रही थी, उसी टाइम में बाइक खुद चला रहे थे विक्रम समन्वय विधायक और उनके ब्रेक उनके जब वो गाड़ी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, उस बाइक में अचानक कोई अनियंत्रण हो गया, अनियंत्रण सामने का ब्रेक मार गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको काफी गंभीर चोटें आई। बहरहाल उनका इलाज बीजापुर में करने के बाद उन्हें तत्काल वहां रिफर किया गया जगदलपुर, जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से रायपुर रिफर किया गया जहाँ पे रामकृष्ण का इलाज चल रहा। आपको बता दूं कि उनका जो कमर के जो हड्डी है, हड्डी क्रैक होने के साथ साथ पद में भी चोट लगी, जिसकी वजह से काफी गंभीर माना जा रहा है। हालांकि इन सबके साथ में इनके साथ एक बाइक में सवार और नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी बैठे थे, उनको भी चोट आई है, लेकिन बहरहाल उनकी स्थिति बीजापुर जिला अस्पताल में सामान्य बताई जा रही है। लेकिन विधायक विक्रम मंडावी की स्थिति खराब होने की वजह से उनको जगदलपुर रिफर गया, जगदलपुर से रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में रिफर किया गया। बहरहाल उनका इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल में चल रहा है। बिल्कुल, तो जैसे संतोष आप मन बताते हैं कि डॉक्टर मन कई सावे को स्थिति फिलहाल सामान्य बने हुए, ओकर संग और एक उपाध्यक्ष का लोग मौजूद सावे बताए जाते, ओकर का स्थिति है?
आपको बता दूं कि विधायक के इलाज के लिए बेहतरीन इलाज के लिए रायपुर रामकृष्ण अस्पताल ले जाया गया है, और इनका जो नगरपालिका उपाध्यक्ष है जिनके पैर में चोट लगी, मामूली सी चोट लगी, लेकिन उनका इलाज खतरे से बाहर, दोनों का इलाज खतरे से बाहर है, लेकिन जिला पंचायत नगरपालिका के जो उपाध्यक्ष उनका इलाज जिला अस्पताल चलने के बाद ही उनको रिफर कर वापस घर के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जिला उनको जो है विधायक को रायपुर रिफर कर दिया, रायपुर रामकृष्ण अस्पताल उनका इलाज जारी है। जी संतोष, राहत के बाद तो है कि दोनों की स्थिति फिलहाल सामान्य बने हुए। शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। यात्रा में विधायक विक्रम शाह मंडावी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि बाइक से गिरकर विधायक घायल हुए हैं विक्रम शाह मंडावी, और कंधे की हड्डी टूटने और पेट में चोट लगने की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद जगदलपुर से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट उन्हें किया गया, रायपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि यात्रा खत्म होने के बाद बीजापुर वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, विधायक के साथ बाइक पर बैठे नगर पालिका उपाध्यक्ष को भी चोटें आई है, ये बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, और ट्वीट कर उन्होंने विधायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ, बाइक से गिर कर विधायक जो है वो घायल हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका इलाज जो है वो फिलहाल रायपुर में चल रहा है। तो ज्यादा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया, रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, सबसे पहले तो अपडेट ही आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल उनकी क्या स्थिति बनी है, डॉक्टरों का क्या कहना है? देखिए, विक्रम शाह मंडावी जो विधायक, वो चोटुल हुए हैं भरोसा यात्रा के दौरान, और उनका जो इलाज है वो रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। और आपको बता दें कि जो उनकी हालत है वो स्टेबल बताई गई है। हम उसी अस्पताल में मौजूद है जहाँ के इमरजेंसी वार्ड में विधायक को शिफ्ट किया गया है, और विधायक के साथ उनके ऑफिस स्टाफ की जो टीम है वो आई हुई है, और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी हालत अभी स्टेबल है, लेकिन जो उनका एक्सरे है वो किया जा रहा है, और एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद भी डॉक्टर्स जो है वो क्लियर कर पाएंगे कि उन्हें कितनी चोट लगी है और कहाँ चोट लगी है। और अगर हम घटना की बात करें तो भरोसा यात्रा में विधायक शामिल हुए थे और बाइक में वो शामिल हुए थे, बाइक के जरिए वो शामिल हुए थे, और उस दौरान उन्हें चोट लगी, और चोट लगी उसके बाद फिर वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए उसके बाद फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी विधायक का जो इलाज है वो जारी है, और जो डॉक्टर है वो ये बता रहे हैं एक्सरे जी आना बाकी है, और उसके बाद ही विधायक की जो कंडीशन है उसका पता लग पाएगा कि किस तरह से कहां कहां की जो हड्डी है वो टूटी है और किस तरह से उन्हें कितनी चोटिल वे हुए हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो पता लगाएंगे डॉक्टर, और उसके बाद ही फिर जो डॉक्टर है वो बात करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, तो साफ तौर पे आपने ये कहना है कि डॉक्टर जो पूरी तरीके से चेकअप करने के बाद उनकी स्थिति का खुलासा कर पाएंगे कि क्या उनकी स्थिति बनी हुई है। आगे अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम।